हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुकृत और आप देख रहे हैं टेकी स्टफ। और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे डेली टेक के एक और नए फ्रेश एपिसोड में। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग और एक्सक्लूसिव न्यूज़ जो है वो आ चुकी है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देखना और इस वीडियो को एंजॉय करना। और अब वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो शुरुआत करते हैं पेटीएम के साथ में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को मेरे प्रीवियस डेली टेक के एपिसोड में बता दिया था कि गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम जो है वो टेक डाउन हो चुका है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही शाम को पेटीएम वापस से प्ले स्टोर पे यहाँ पे अवेलेबल हो चुका था। तो कुछ टर्म्स के वॉयलेशन के लिए इसको जो है वो रिमूव किया गया था, लेकिन ये एप्लीकेशन अब प्ले स्टोर पे यहाँ पे वापस आ चुका है और आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं गूगल की तरफ। और गूगल ड्राइव की तरफ से यहाँ पे एक हमें इंटरेस्टिंग खबर देखने को मिलती है। और गूगल ड्राइव जो है वो आपके ट्रैश फाइल्स को यहाँ पे ऑटोमेटिकली 30 दिन के बाद डिलीट कर देगा, ऐसे बताया जा रहा है। और अगर आप 30 दिन तक जो है वो उस फाइल को यहाँ पे कुछ भी उस पर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं तो उसको यहाँ पे गूगल जो है वो डिलीट कर देगा आपके गूगल ड्राइव से। तो इसके बारे में आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी के साथ जो है वो आज से यहाँ पे IPL स्टार्ट हो रही है, और आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता देना कि इस साल आप IPL में किस टीम को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या लगता है आपको कि आज की जो ओपनिंग मैच है यहाँ पे कौन जीतेगा, मुंबई या फिर चेन्नई। आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर जो है वो आ रही है NSA की तरफ से। और NSA ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दिया है कि COVID-19 के बाद से इंडिया में यहाँ पे साइबर क्राइम्स में 500% की ग्रोथ यहाँ पे देखी गई है, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है इंडिया के लिए। और आप अपनी डिजिटल चीज़ों का यानी कि आपके बैंक अकाउंट्स, UPIs, आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं इनको यहाँ पे संभाल के रखना, किसी भी मलिशियस लिंक को यहाँ पे क्लिक मत करना। बहुत सारे स्कैम्स और फ्रॉड्स जो है वो यहाँ पे चल रहे हैं, तो आप अपनी सारी चीज़ों का जो है वो यहाँ पे ध्यान रखना और किसी भी मलिशियस लिंक को या फिर किसी भी मलिशियस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे डाउनलोड बिल्कुल भी मत करना। तो अब बढ़ते हैं OnePlus की तरफ। और OnePlus 8T ये स्मार्टफोन हमें बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने को मिलने वाला है। और इसकी जो है वो OnePlus इंडिया ने ट्विटर पे एक हिंट हमें दे दी है। यहाँ पे उन्होंने ट्वीट में ऐसे बोला है कि इट्स टी टाइम, यहाँ पे टी के लिए उन्होंने एक इमोजी यूज़ किया है, लेकिन इसका मतलब जो है वो हम समझ चुके हैं, यानी कि OnePlus 8T जो है वो हमें बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने को मिल जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो है वो अक्टूबर में हमें देखने को मिल सकता है। तो क्या आप लोग एक्साइटेड है OnePlus 8T के लिए, आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। और इसी के रिलेटेड जो है वो एक और खबर आ रही है। ईशान अग्रवाल ने ऐसे ट्वीट करके हमें बता दिया है कि OnePlus 8T जो है वो इंडिया में 14th October को जो है वो लॉन्च हो सकता है। और यहाँ पे जो है वो लास्ट मिनट अगर कोई चेंजेस नहीं होते तो हमें मोस्ट प्रोबेबली 14th October को ही इंडिया में OnePlus 8T देखने को मिल सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली इसके साथ में OnePlus अपनी एक स्मार्ट वॉच भी लॉन्च करेगा, ऐसे भी बताया जा रहा है। तो देखते हैं OnePlus यहाँ पे क्या क्या लॉन्च करता है और क्या प्राइसिंग होती है OnePlus 8T की, ये तो हमें यहाँ पे 14th October को ही पता चल जाएगा। तो बढ़ते हैं सैमसंग की तरफ। और सैमसंग F41 स्मार्टफोन जो कि बहुत दिन से यहाँ पे रूमर है और बहुत सारे जो है इसके ऊपर ट्वीट्स, लीक्स, इसके रूमर जो है वो चल रहे हैं, इसको जो है वो अब सैमसंग ने ऑलमोस्ट ऑफिशियल कर दिया है। और सैमसंग यहाँ पे हैशटैग #FullOn करके एक टैगलाइन यूज़ कर रहा है अपने अपकमिंग एफ सीरीज़ के लिए। और ये एफ सीरीज़ जो है वो हमें बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने को मिल सकती है, और मोस्ट प्रोबेबली ये भी हमें अक्टूबर के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक में इंडिया में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो क्या लगता है आपको सैमसंग के F41 डिवाइस के बारे में? मुझे जहाँ तक मैंने इसके रेंडर्स और कुछ पिक्चर्स देखे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है ये सैमसंग गैलेक्सी M31 से काफ़ी मिलता जुलता यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। तो देखते हैं क्या खास होता है इस स्मार्टफोन में और क्या प्राइसिंग पे सैमसंग इसको इंडिया में लॉन्च करता है। तो बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की तरफ, जो कि आ रही है पोको की तरफ से। और यहाँ पे पोको X3 का जो लोग वेट कर रहे थे उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है। और पोको इंडिया ने यहाँ पे एक ट्वीट करके ऐसे बता दिया है कि इस स्मार्टफोन में हमें बहुत ही बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी। और बैटरी का जो बी उन्होंने यहाँ पे दिखाया है वो 6 नंबर यूज़ करके बता दिया है। इसका मतलब इसमें हमें 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे सुधांशु अम्बोरे ने भी ट्वीट करके यहाँ पे कंफर्म कर दिया है कि पोको X3 के इंडियन वेरिएंट में हमें 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है और इस स्मार्टफोन को यहाँ पे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये बना देती है। तो क्या आप लोग यहाँ पे पोको X3 में इंटरेस्टेड है? और अगर इंटरेस्टेड है तो क्या लगता है आपको कि पोको X3 स्मार्टफोन इंडिया में क्या प्राइसिंग पे लॉन्च होगा,
आप अपना गेस जो है वो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपके किसी टेक रिलेटेड क्वेश्चन का मैं मेरे वीडियो में यहाँ पे आंसर करूँ, तो इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट सेक्शन में आप हैशटैग टेकी क्वेश्चन यूज़ करके अपना सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपके सवालों का यहाँ पे जवाब मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। तो बढ़ते हैं आज के टेकी फैक्ट की तरफ। और आज का जो टेकी फैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है। आई एम श्योर आप लोग जब इसको सुनेंगे तो आप लोग भी इस पे यहाँ पे एग्री कर जाएंगे। और क्या आप लोगों को पता है कि 86% ऑफ द पीपल जब USB यहाँ पे प्लग करते हैं तो वो रॉन्ग साइड को यहाँ पे प्लग करते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इनको जो है वो सेकंड या फिर थर्ड अटेम्प्ट लगता है USB ड्राइव को प्लग करने में। और मैं भी उन 86% पीपल में से यहाँ पे हूँ जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे USB प्लग इन नहीं कर सकता। और अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ऐसे ही टेक रिलेटेड और कंटेंट देखने के लिए। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए। और मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।